फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इज निटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये सिंगल कलर का निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये पैटर्न बनाने में बहुत ही आसान है और इस पैटर्न को आप ऑल ओवर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, बच्चों के प्रोजेक्ट में, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमें तीन के मल्टीपल फंदे लेने हैं, तीन तीन के जोड़े में फंदे लेने, और लास्ट में एस स्टिच रखना है हमने। तो एक एक एस स्टिच भी हम रख सकते हैं, या आप चाहें तो अपने फंदों के या प्रोजेक्ट के फंदों के हिसाब से दो दो एस स्टिच इसमें रख सकते हैं। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये इसमें हमने फंदे डाल के दो सिंपल सलाइयाँ बना ली हैं। इसको हमने कैसे बनाना है, ये एस स्टिच हम उतारेंगे और उसके बाद ये देखें, एक दो तीन, तीसरे फंदे में एक फंदा नीचे, ये देखें इस तरह से, ये एक सलाई नीचे हमने सलाई डाल करके फंदा बना लेना है इस तरह से। और ये पहला फंदा बनाया और फिर दूसरा फंदा बनाया और अब इस वाले फंदे को हमने छोड़ दिया जिसमें से हमने पहले फंदा बना लिया था। सेम ऐसे ही इसी को रिपीट करना है हमने। ये देखें, एक सलाई नीचे फंदा बनाया। अब ये जो हमारे तीन फंदे हैं इसमें से पहला और फिर ये दूसरा, और अब ये तीसरे वाले को हमने ऐसे ही छोड़ देना क्योंकि तीसरे में से हम पहले ही फंदा बना चुके हैं। इसी तरह से ये तीन तीन के ग्रुप में ही काम हमारा होगा। ऐसे ही हम बना लेते हैं। ये लास्ट में हमारा, पहले हमने एक एस स्टिच रखा है और लास्ट में हमारे ये दो हैं एस स्टिच। एस स्टिच आपकी इच्छा पर है। देखें, ये हम इसको भी एक ही बना लेते हैं। अब ये देखें, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब ये हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं सेकंड रो। पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे। अभी सेकंड रो पूरी उल्टी बना ली हमने, आ गए थर्ड रो पर। थर्ड रो हमारी पूरी सीधी बनेगी। ये देखें, थर्ड रो पूरी सीधी बन गई हमारी। आ गई हमारी फोर्थ रो। फोर्थ रो फिर से पूरी उल्टी बनेगी, कोई हेर फेर नहीं, सारे फंदे उल्टे। फोर्थ रो हमने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली। ये ही चार सलाइयों का ये हमारा डिजाइन है। अब फिर से हम फर्स्ट रो से इसको स्टार्ट करेंगे। एस स्टिच हमने उतारा फर्स्ट रो में, एक बार आपको फिर से डाल करके दिखा रही हूँ। ये देखें, एक दो तीन, तीसरे फंदे में एक सलाई नीचे हम गए, फंदा बनाया इस तरह से, और फिर हमारे लेफ्ट एंड की सलाई से दो फंदे हमने बना लेने, और ये तीसरे में से हम पहले फंदा बना चुके हैं, इसको छोड़ देना है। फिर इसी तरह से अगले तीन फंदों में, तीसरे फंदे में एक सलाई नीचे गए, फंदे बनाए और ये तीसरे को भी छोड़ दिया। इसी तरह से हमने फर्स्ट से फोर्थ रो तक रिपीट करते जाना है। ये देखें, बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये। एक ही फंदे का आप माने ये डिज़ाइन है कि सिर्फ ये इसी में से ऐसे फंदा हमने बनाना है, बाकी तो ये जैसे हम सिंपल बनाते हैं वही है। ये देखें, तीसरे फंदे में से एक फंदा नीचे, एक सलाई नीचे, फंदा बना लिया, दो फंदे ये बनाए और ये छोड़ दिया। फिर से देखें, ये
यहाँ पर एक सिलाई नीचे तीसरे फंदे में, ये फंदा बनाया और ये छोड़ दिया, स्टिच को बना लिया। ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से ये छोटी छोटी डब्बियां जैसी बन करके आ जाएंगी फ्रेंड्स। जब ये चार सिलाइयों को हम फिर रिपीट करेंगे, उल्टी सिलाई उल्टी, सीधी फिर सीधी और फिर उल्टी, तो फिर ये पैटर्न हमारा इस पैटर्न की तरह नजर आने लगेगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।